सिखों के 10वें गुरु एवं सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव मंडी और सुंदरनगर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह में सुबह से ही सिख संगतों ने माथा टेका। गुरुद्वारा साहिब में विभिन्न रागी जतों की ओर से शब्द कीर्तन और गुरबाणी का पाठ किया गया। इधर ऐतिहासिक गुरुद्वारा पडल को गुरु पर्व की पूर्व संध्या के मौके पर रोशनियों से जगमगाया गया था। वहीं सिख संगतों ने दिन भर गुरु के घर में भजन कीर्तन गुरुबाणी का श्रवण कर शांति का एहसास किया। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के साथ सिख धर्म का भी विशेष लगाव रहा है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 331 वर्ष पहले देवभूमि में न सिर्फ आए थे बल्कि 6 महीनों तक यहां पर रुककर यहां की रक्षा का वचन भी देकर गए थे। आज भी गुरु गोविंद सिंह की प्राचीन स्मृतियां यहां देखने को मिलती हैं। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 21 पर मंडी शहर के साथ ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है ऐतिहासिक गुरुद्वारा, जहां गुरु गोविंद सिंह की स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। गुरु गोविंद सिंह के त्याग और वीरता की आज तक मिसाल दी जाती है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान कर देने वाले गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख समुदाय के लोग इसे गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। आज के दिन सिख समुदाय के लोग एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन गुरुद्वारों को सजाया जाता है, अरदास भजन कीर्तन के साथ लोग माथा टेकते हैं। गुरु गोविंद सिंह के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं उनके अनुसार शक्ति और वीरता के संदर्भ में उनका एक सिख 1.25 लाख लोगों के बराबर है। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जिस पावन पवित्र स्थान दे उत्ते खड़े हो, ये धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे चरण छो प्राप्त गुरुद्वारा है जी। इस जगह ते उत्ते साहिब 6 महीने 18 दिन जीवां दा उधार किया और उन्हां दियां निशानियां पलंग और उन्हां दी रबाब तलाई साहब बंदूक बरूद दी कुप्पी जिन्हां दे दूरों दूरों तो संगतां दर्शन कर लई आउंदियां हन। गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ते समूह साध संगत वालों दे सहयोग दे नाल जो अज दे आपां धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे 354वें प्रकाश पुरब की खुशी दे विच समागम मना रहे हाँ। कल का जो प्रोग्राम सी नगर कीर्तन जिस दे विच समूह साध संगतां ने हुम हुमा के हाजरियां भरिया और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखते होया इस सारे प्रोग्राम नू कीता गया और अज दे जो साडे विशेष प्रोग्राम हन वह 11 बजे तो लैके 3 बजे तक रागी सिंघां वल्लों कथा कीर्तन कथा दी हाजरी भरी जा रही है। समूह साध संगतां लंगर छक रही हैं और गुरु के हर जस गा रही हैं। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सरबंस दानी उन्होंने इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने परिवार के 6 सदस्य और 7वां आप वारिया और वारिया इस कारण कि जदों कश्मीरी पंडितों ने आके उन्होंने ये गल की बेनती की कि साहिब जो औरंगजेब है वह चाहता है कि पूरे हिंदू धर्म को ख़त्म कर दिया जाए और उन्होंने तलवार के तल के उत्ते जेड़ा सामने आता उसकी गर्दन उतार दी जाए जा इस्लाम कबूल कर लो। तो उन्होंने अपने पिता जी ने दिल्ली चांदनी चौंक के भेजा इस वास्ते कि जाओ कि बादशाह औरंगजेब को यह गल कह दौ कि पत्ते तोड़िया कदे रुख नहीं सुकते होंगे। जे तू चाहना हाँ कि हिंदू धर्म खत्म हो जाए तो जड़ गुरु तेग बहादुर जी हैं, तू उन्हां नाल गल कर। जदों उन्होंने दिल्ली चौंक चांदनी चौंक में उन्होंने जतनावां दित्तियां फिर उन्हां तो बाद उन्हां दा आसीस उतार दिता। उस तो दरम्यान शहीदियों का दौर चलिया, उन्होंने दे 4 साहबजादे 2 चमकौर की जंग दे विच 2 सरहंद दियां नीहां दे विच माता गुजर कौर जी और आपा आप और पिता दिल्ली चांदनी चौंक में शहीद कराया। उन्होंने इस देश कौम की खातर इस हिंद की चादर बने ने गुरु तेग बहादुर जी और उन्होंने समाजिक कुरीतियां खत्म करदिया होया पूरे संसार नू उस अकाल पुरख के नाल जोड़िया। ऐसे गुरु साहब जी दे प्रकाश पुरब की आप सब समूह साध संगतां नू गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पूरी मंडी दियां साध संगतां वालों लख लख वधाइयां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।